की मैग्नेट छूटी हुई है, 18 इंच स्पीकर है, 4 इंच कॉइल में। ये देखो दोस्तों, ये किनारी अलग है, ये इसकी मैग्नेट छूटी हुई है, तो इसको छुड़ाते हैं, देखना कैसे छूटते हैं। तो दोस्तों पहले बहुत कम छूट के टूट जाती है, हिसाब से छुड़ानी पड़ती है, ज़्यादा तेज मारोगे तो टूट जाएगी। अब इसमें एक पेचकस ले लेना है, इस तरीका से पेचकस से हटा लेना है, तो दूसरा भी पेचकसों से इसको हटा लेना। हाथ नहीं लगाना, हाथ से हाथ कट जाएगा इसमें, ये अलग होगी है। अब इसके बाद हम जो एक ये पेस्ट्री पड़ी, इसको निकाल लेंगे। कॉइल खराब हो चुकी है, इस तरीका से निकालने के बाद में ये निकल गया। अब इसको काटेंगे इस तरीका से, इसे हॉट गन से केमिकल जो पेस्ट हुई पड़ी है इसको हटा लेंगे इस तरीका से। तो कटर लेनी नहीं, कटर से इसको हटा देंगे इस करके गरम करके। तो इस तरीका से इसको निकाल लेंगे, निकल गया इस तरीका से, सारा ही हटाना है ऐसे करके, सबरा हटा लेना। इसके बाद जब मैग्नेट सेट करनी है तो दोस्तों इस तरीका से सबरा ही हटा लेना। इस पे ज़्यादा लगा रखा है केमिकल सा, तरीका से साफ करके, सबरा साफ होगा, ये सबरा साफ हो गया इस तरीके से काटने के बाद में। अब इसको जैसे कि ये मैग्नेट तो है जो इसमें केमिकल लगा हुआ है, इसको सबको साफ कर लेंगे, और ये किट है, किट पे से भी साफ कर लेंगे। उसके बाद जब इसको चुपकाएंगे पहले साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीका से साफ कर लेना, ये सबरा ही साफ हो जाएगा। ये साफ हो गया, अब इसको साफ करेंगे। देखो दोस्तों ये साफा हो गया, अब कपड़े से इसको सोडा से साफ कर लेंगे। तो दोस्तों ये सफा हो गया, इसके बाद जो मैग्नेट है इसको कपड़े से साफ कर लेंगे हल्का सा। चलो तो दोस्तों ये जो अंदर से भी सफा कर लेंगे, डस्ट वस्ट रेत वेत नहीं जाना चाहिए अंदर, कोई लोहे की किनक वगैरह वो भी नहीं होनी चाहिए, साफ होना चाहिए कते। जैसे कि ये साफ के ये हो गया साफ, तो उसके बाद अब केमिकल से इसको चिपकाएंगे। दोस्तों इस तरीके से इस पे थोड़ा थोड़ा केमिकल गेल लेंगे। तो दोस्तों ये हरा वाला भी इतना ही इतना गिरना बराबर। अब इसको मिला लेंगे ऐसे करके,
मिला मिला। रैपिड से भी चिपका सकते हैं। अब इसके बाद इसमें जो अब ये दूसरा वाला जो छज्जा है इसको इस पे लगा लेंगे, ऐसे करके टेकेंगे। अब ये लग गया देखो, ये आउट अब भी। अब इसके बाद हम इसको सेंटर को सही करेंगे। चौकील से कर लेंगे सेंटर ऐसे करके। दोस्तों इस तरीका से सेंटर सही करेंगे। दोस्तों इस तरीका से तो दोस्तों अभी सेंटर मिल गया। देखो चारों साइड से देखो, देखो चारों साइड से मिल गया है, चारों साइड से मिल गया। अब ये तो नीचे से भी देख लो, ये देखो। अब सूखने के बाद इस जो ये लगाए हैं कील, इनको निकाल लेंगे सूखने के बाद, तो सेंटर सही हो जाएगा फिर इसका। तो दोस्तों अब ये सूख चुका है, सूख गया। अभी इसकी मैग्नेट सेट हो गई है और ये सूख गया। इनको निकाल के दिखाते हैं आपको हम। ये देखो दोस्तों, ये देखो हो गया ना सही। अब इसकी मैं सेंटर आउट था वो सही हो गया। अब इसमें कॉल गिर सकते हैं।